देखो कितने क्यूट लग रहे हैं इसके अंदर, सॉफ्ट बने एकदम। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है डे 7 ऑफ गणेश चतुर्थी एंड मैंने इतने सारे डेज अलग अलग स्वीट्स बनाई, सो आप लोग वो वाले भी जाकर देख लीजिए ब्लॉग्स। सो आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू, एकदम क्यूट क्यूट। सो या चलो स्टार्ट करते हैं, पहले आप लोग वो वाले ब्लॉग्स जाकर देख लीजिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टे ट्यून्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले आपको एक पैन में लेना है घी, अच्छे से पिघल गया है आप लोग देख सकते हो। एंड अब हमें इसके अंदर ऐड करना है बेसन, आप लोग जितना बनाओ ना उतना ही ऐड करना, और लो फ्लेम रखनी है। स्टार्टिंग में हमें ये पूरा लो रखना है फ्लेम को, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। सो मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया है, हम इसे अच्छे से घी में रोस्ट करेंगे। एकदम धीमी आँच रखनी है आप लोग को, बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, नहीं तो फिर स्टार्टिंग में धीमी आंच पे बनाना है आपको इसको। ओके, आप इसको बस चलाते रहिए धीरे धीरे। ये मिक्सचर आपको रेगुलरली हिलाते जाना है लो फ्लेम पे, एंड इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा। आप लोग को घी ऐड करना है तो आप लोग बाद में भी कर सकते हो अगर आप लोग को कम लग रहा हो तो। इसको अच्छे से हिलाते जाइए, हम इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये पूरा एकदम अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता तब तक इसको रख दो। एंड अब इसका ये मिक्सचर एकदम अच्छे से, देखो एकदम टाइट हो गया है, ये एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पहले तो ये इलायची पाउडर ऐड करना है पहले आपको इसके अंदर अच्छे से, या आप हाथ से ही कर लोगे ना वही ज़्यादा सही रहेगा। तो पहले मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है एंड अब मैं इसके अंदर एक कटोरी ये जो भूरा आता है ना, वो भूरा शक्कर आती है ना वो, आप लोग ऐसे शक्कर मतलब कैसे भी कर सकते हो, आप लोग को जितनी करनी है उतनी। तो मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ शक्कर, इसको अच्छे से मिला लो। तो ये अच्छे से इसको हाथ से मिला लो एंड सी ये मिक्सचर एकदम अच्छे से हो गया है रेडी। इसके अंदर शक्कर ऐड करी तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लगने लग गया है। एंड अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, इसके अंदर रोज पेटल्स भी है, काजू बादाम एंड ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हो जो भी आप लोग को चाहिए। इनको अच्छे से मिक्स कर लो लड्डू छोटे छोटे, अब आप लोग को जितनी साइज चाहिए ना आप लोग उतने बना सकते हो एंड ये लड्डू एकदम इजीली बन जाएंगे। ये देखो ऐसे ही इसी तरह आप लोग सारे लड्डू बना लो। अगर घी कम लग रहा है तो आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हो, आप लोग को अगर करना हो तो। गाइस हमारे लड्डू बनकर एकदम रेडी हो गए हैं, देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। इसके अंदर ड्राई फ्रूट जरूर ऐड करना एंड मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर वो सिल्वर वर्क आता है ना वो लगा दो तो ज़्यादा सुंदर लगेंगे अभी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मंदिर पे प्रसाद चढ़ाने, चलो चलते हैं। Thank you.
प्रसाद चढ़ाकर आ गई हूँ एंड सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम टेस्टी बना था। एंड अब मैं आप लोगों को ये लड्डू टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं, ठीक है। लग रही कितने गोलू मोलू है यार, ये देखो एकदम क्यूट। तो मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ क्योंकि सबको तो अच्छा लगे, आप देखते हैं। सॉफ्ट बने एकदम, मुझे लगा था कि क्या पता हार्ड हो जाएंगे, तो पर सॉफ्ट बने एकदम। ज़्यादा टेस्टी बने, आप लोग जरूर ट्राई करना। गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मतलब कुकिंग व्लॉग। सो आप लोग बताना कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी एंड ट्राई ज़रूर करना। एंड मिलते हैं, अब कल 7th व्लॉग होगा एंड कल कुछ और बनाएंगे। सो या कल मिलते हैं, आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करो, प्लीज़ 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 प्लीज़। सो या एंड मैंने आप लोग को आज तो आरती भी बताई क्योंकि कल नहीं बताई थी, सो सॉरी, एंड आज बताइए। सो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय बाय।